नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4SSC में। दोस्तों आज 15 अगस्त है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर करने वाले हैं। 15 अगस्त है आज, और इनसे कुछ दिन पहले या एक हफ्ते तक की इसमें शामिल किया गया है स्पोर्ट्स करंट अफेयर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, विराज मदप्पा बने एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। भारतीय गोल्फर विराज मदप्पा एशियाई टूर जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं, क्योंकि उन्होंने बेंगलोर में टेक सॉल्यूशंस मास्टर्स में एशियाई टूर पर अपना पहला खिताब जीता। वीरप्पा मदप्पा ने एशियाई टूर्नामेंट में कुल 16 अंडर 268 स्कोर किया है। वह 20 वर्षीय है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये देखिए पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि विराज मदप्पा जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है ये गोल्फर है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखिए। उसके बाद देखिए, पहला है एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए हैं। तो भारतीय गोल्फर विराज मदप्पा एशियाई टूर जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले यह रिकॉर्ड गगनजीत भुल्लर ने प्राप्त किया था। ध्यान रखिए, इससे पहले यह रिकॉर्ड था गगनजीत भुल्लर के नाम, जिन्होंने 21 साल और 3 महीने की उम्र में इंडोनेशिया इन्विटेशनल जीता था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है, विराज मदप्पा इस सीजन में महाद्वीपीय दौरे पर जीतने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, ये देखिए, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। एशियाई खेल 2018 ओपनिंग समारोह में नीरज चोपड़ा भारतीय ध्वजवाहक बने हैं। ठीक है, ये जो तस्वीर थी ये थी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक बने। ठीक है, 20 वर्षीय, ध्यान रखिए 20 वर्षीय ने अब तक अपने करियर में विश्व जूनियर चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा एथलीट ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बराबर किया जब उन्होंने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 82.23 दक्षिण एशियाई खेलों में 82.23 मीटर की फेंक दर्ज की। मई 2018 में डायमंड लीग में 87.43 मीटर की फेंक दर्ज करते समय चोपड़ा ने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया था। ठीक है, इससे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या निकलता है, 2018 एशियाई खेलों को आधिकारिक तौर पर 18वें एशियाई खेलों के रूप में और जकार्ता पालेम बैंक 2018 के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय अंडर 20 और अंडर 16 टीम ने फुटबॉल में जीते खिताब। वालेंसिया के एल एस आक्स स्टेडियम में आयोजित कोटिफ कप के अंतिम समूह चरण मैच में भारत की अंडर 20 टीम अर्जेंटीना अंडर 20 से जीत गई। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहा था। ठीक है, कोटिफ कप। इसके अलावा भारत की अंडर 16 टीम ने अम्मान जॉर्डन में वेस्ट एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप में 1-0 से इराक की अंडर 16 चैंपियन टीम को हराया। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके अलावा क्या है,
भारत के अंडर 16 टीम ने, ध्यान रखें 20 के बाद 16 टीम ने अम्मान जॉर्डन में वेस्ट एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप में 1-0 से इराक को हरा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है एशियाई राष्ट्र कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत की महिला ने जीता ब्लिट्ज गोल्ड। ठीक है, एशियाई राष्ट्र कप 2018 में भारतीय महिला शतरंज टीम ने ईरान में आयोजित ब्लिट्ज समारोह में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखिए ईरान में आयोजित, ओके, ईरान में आयोजित ब्लिट्ज समारोह में स्वर्ण पदक जीता। 2014 के बाद से यह भारत का पहला स्वर्ण पदक खिताब है। उन्होंने क्रमशः रैपिड और शास्त्रीय श्रेणियों में चांदी और कांस्य पदक जीता है। टूर्नामेंट ईरानी शहर हमदाद में शुरू हुआ था, जहां भारत ने 21.5 पॉइंट प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं वियतनाम को 18.5 के साथ रजत और चीन को 17.5 के साथ कांस्य पदक प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट है, देखिए पिक्चर भी देखते चलिए, इससे मेमोरी में जल्दी बैठता है कोई भी चीज़। गगनजीत भुल्लर ने अपना पहला यूरोपीय टूर खिताब जीता। ध्यान रखिए गगनजीत भुल्लर ने अपना पहला यूरोपीय टूर खिताब जीता है। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर, इनका नाम अभी हमने ऊपर की न्यूज में देखा था, जहाँ पे ऊपर की न्यूज एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि इन्हीं के विषय में बात हो रही थी। ठीक है, देखिए पहला खबर था विराट मदप्पा बने एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय। इन्होंने किन का स्थान लिया था, ध्यान रखिए वीरप्पा मदप्पा इससे पहले यह रिकॉर्ड किनके नाम था, गगनजीत भुल्लर के नाम था। ठीक है, गगनजीत भुल्लर के नाम था, उन्हीं की न्यूज है नीचे जो हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए गगनजीत भुल्लर ने अपना पहला यूरोपीय टूर खिताब जीत लिया है। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने नाटो डोला खाड़ी में फिजी इंटरनेशनल में अपना पहला यूरोपीय टूर खिताब जीता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चार्जिंग एंथनी क्वायले पर एक स्ट्रोक के साथ जीत हासिल की। यह भुल्लर का पहला यूरोपीय टूर, 9वां एशियन टूर और 10वां क्राउन था। अर्जुन अटवाल और ज्योति रंधवा द्वारा 8 दौरे की जीत को पीछे छोड़ने के बाद अब एशियाई टूर पर सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान रखिए अर्जुन अटवाल और ज्योति रंधवा द्वारा 8 दौरे की जीत को पीछे छोड़ते हुए अब वे एशियाई टूर पर सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, शुआ फिजी का राजधानी शहर है। ठीक है, यानी फिजी की राजधानी क्या है, शुआ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे पहले भी मैंने वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर वीडियो बनाया है, साथ ही जितने भी स्पोर्ट्स के हो चुके हैं बड़े टूर्नामेंट उन पर वीडियो बनाया है, लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।